हेलो, माय नेम इज कीर्ति सूरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फोनेटिक्स क्या होता है। यस, उस वीडियो में मैंने बोला था फोनेटिक्स, लेकिन फोनेटिक्स नहीं बोलते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में उसको बोलते हैं फोनेटिक्स। सो आज हम पढ़ेंगे साउंड्स के बारे में। साउंड्स मतलब आवाज। टू टाइप्स की साउंड्स होती हैं, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। सो स्टार्टिंग विद वाउल्स, वाउल्स, यस वाउल्स बोलते हैं इसको, वॉवल्स नहीं बोलते हैं। वाउल्स जो साउंड्स होती हैं, मेड विद माउथ एंड थ्रोट, नॉट क्लोजिंग एट एनी पॉइंट। जो वाउल्स की साउंड होती है इसको मुंह से और थ्रोट, गले से बोलते हैं, और इसमें माउथ या थ्रोट बंद नहीं होते हैं, क्लोजिंग एट एनी पॉइंट नहीं होते हैं क्लोज। सो वाउल्स फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब इसको प्रोनाउंस करके देखो ध्यान से कि ए ई आई ओ यू, इसमें मैं रुक नहीं रही हूँ कहीं पे भी, ये मेरी आवाज़ जो है मुंह से और थ्रोट से निकल रही है। सो इनको कहते हैं वाउल्स। नाउ कॉन्सोनेंट्स। Consonant sounds made by blocking air from flowing out of the mouth with teeth, tongue, lips and palate. जो consonant sound होती है इसमें जो हमारी air है जो mouth से निकलती है वो block हो जाती है, और इसमें teeth, tongue, lips and palate का use होता है। अब all letters except vowels, जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेट में एक्सेप्ट वॉल्स, मतलब ए ई आई ओ यू को हटाकर सारे लेटर्स की साउंड कॉन्सोनेंट्स होती है। जैसे कि मैंने बोला बी, तो बी में मेरी एयर ब्लॉक हो रही है और उसमें मेरे लिप्स का यूज कर रही हूँ मैं, बी। सी, सी में मैं अपने टीथ का यूज कर रही हूँ। सो ये होते हैं हमारे वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर साउंड्स की बात करी है, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में साउंड की बात करते हैं हम, लेटर की बात नहीं करते हैं। तो आपको अपने ईयर पर फोकस करना है कि आपको क्या आवाज़ आ रही है, आपको लेटर नहीं देखना, आपको साउंड पर फोकस करना है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया हो टॉपिक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।